तो आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर एक यहाँ पर आज पेपर का कटिंग मैं लेकर आया हूँ, जो हिंदुस्तान का पेपर कटिंग है। उस पेपर कटिंग के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो टीचर की बहाली आई है, यहाँ पर लिखा हुआ है नई शिक्षक बहाली 2022, 1 लाख शिक्षक भर्ती, यानी कि 1 लाख पोस्ट पर आप यहाँ पर भर्ती होना है। और यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट पर कितना सीट है, और सर यहाँ पर साथ ही साथ में देखेंगे यहाँ प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, उच्च विद्यालय या हाई, यहाँ पर 12th ही सब वाला स्कूल जो ये होता है कॉलेज, ये सब स्कूल है यूनिवर्सिटी में, उन सभी में कितना कितना सीट है, और यह इसका कब से बहाली होना है, और कौन कौन सा क्वालिफिकेशन लगेगा, इसका सारा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में यहाँ पर इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, इसका संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको चैनल पर सबसे पहले मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर एक और यहाँ पर अपडेट लेकर आया हूँ कि यहाँ पर आपको जो 25,000 रुपया जो मिलना था इंटर पास सभी छात्र छात्राओं को, तो उनका पैसा कब से मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं पेपर कटिंग लेकर आया हूँ। पेपर कटिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले चरण में होंगे, यानी कि जो नेक्स्ट वाला चरण आएगा उसमें आपको 1 लाख शिक्षक की बहाली होंगी। साथ ही तो पहले यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर 25,000 रुपया मिलेंगे इंटर पास छात्राओं को आगामी वित्तीय वर्ष में, यानी कि अगला जो सेशन आ रहा है, यानी कि जो यहाँ पर 21 से 23 वाले सेशन जो स्टूडेंट हैं उन सभी का यहाँ पर जो जो छात्राएं हैं केवल उनको यहाँ पर 25,000 रुपया मिलेगा, जो अगला वाला सेशन में, यानी कि जो इस बार 23 में जो एग्जाम देंगे उन सभी का। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि पटना के लिए यहाँ पर सूबे के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 1 महीने में राज्य में 41,000 शिक्षकों की बहाली हुई है, निकट भविष्य में 50,000 और शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावा प्राथमिक स्कूल के लिए 40,000, अधिक प्रधान शिक्षक और हाई स्कूल के लिए 6,612 हेडमास्टर की बहाली होगी। साथ ही 3,500 पदों पर शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली नियुक्ति की जाएगी। साथ में मंत्री ने कहा कि यह अंतिम नियुक्ति नहीं है, राज्य में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और यह लगातार आगे आगे भी जारी रहेगी। और इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर जो जो मेन मेन जो पॉइंट है मैं इसमें बता देता हूँ आपको। यहाँ पर तो बताया कि आपको कौन सी पोस्ट पर कितने सीट हैं और कौन कौन सी यहाँ पर स्कूल के लिए बहाली हुई, जैसे कि हाई स्कूल, मिडिल स्कूल हो गया, और इस तरह का यानी प्राथमिक स्कूल, इन सभी स्कूल के लिए। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ कि शिक्षा विभाग बजट पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि टीईटी और एसटीईटी एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा के पास करने का अर्थ नहीं है कि सबको नौकरी मिल जाएगी। विपक्ष इस मामले पर अभ्यर्थी को गुमराह कर रहा है कि जब भी रिक्तियां निकलेगी टीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थियों का आवेदन करेंगे, मेरिट लिस्ट के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी, यानी कि जो भी आपको नियुक्ति होगा मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। शैक्षिक सत्र 22 से 23 की अभावी कार्य योजना पर मंत्री ने कहा कि सभी प्राथमिक उच्च विद्यालयों को पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रचार की नियुक्ति बीपीएससी से कर ली जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो कस्तूरबा गांधी के लिए है, यहाँ पर भी उनके लिए यहाँ पर दिया कस्तूरबा गांधी विद्यालय को ग्रेड 12 तक अपग्रेड किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय को ग्रेड 12 तक विस्तारित किया जाएगा, स्मार्ट क्लासरूम में और व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर अपना डिटेल यहाँ पर पूरी तरह से पढ़ लेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 12 अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की यहाँ पर बहाली होगी। यहाँ पर डिग्री कॉलेज के लिए कौन कौन से क्या क्या पोस्ट है, यहाँ पर आपको सभी जानकारी दिया गया कि कौन कौन सा पोस्ट में कितना पैसा लगेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर अन्य घोषणाएं किया गया कि यहाँ पर कौन कौन से जिला में आ गए, जैसे गया, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में बाल भवन का निर्माण होगा। यहाँ पर 12वीं की बांग्ला भाषी शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉडल बनेंगे, यानी कि सभी डिटेल यहाँ पर आप पेमेंट यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या में आपको यहाँ पर खर्च किया जाएगा। तो 1 लाख शिक्षक की बहाली आने वाले, इसका अप्लाई इसका हाल ही में स्टार्ट होगा उम्मीद है। अगर जैसे ही इसका स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई, तो आप सभी को एक वीडियो बनाकर जरूर दे दूंगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यहाँ पर आपको बताया गया यहाँ पर 25,000 रुपये के लिए वहाँ पर बालिका के लिए बताया गया जो इंटरमीडिएट योजना के तहत इंटर पास सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दिया जाएगा। जिन अनुमंडल में अभिभुक्ति महाविद्यालय नहीं है वैसे 12 अनुमंडल डिग्री कॉलेज को स्थापित किए जाएंगे, जिसमें शिक्षा प्रणाली को डिजिटलीकरण होगा और सकल नामांकन अनुपात के संबंधित कार्यों के नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय का अनुदायीकरण होगा। विपक्ष में यहाँ पर दिखाई दिया गया है वॉकआउट के बीच शिक्षा विभाग का 391 अरब 91 करोड़ और 87 लाख का बजट सदन में पारित हो गया है। तो जितने भी छात्राएं हैं जो 21 से 23 सेशन, यानी कि जो 23 में जो एग्ज़ाम देंगे, उन सभी का यहां पर 25,000 रुपया अगला साल में मिलेगा ज़रूर।
तो आप सभी आपसे उम्मीद है कि मतलब आप सभी को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।